सो गाइस मिलाते हैं अगली गाड़ी से जो विंटेज कार एग्जीबिशन 2023 जयपुर के अंदर हो रही है और मिलाते हैं उनके ओनर से. सो वेलकम टू आवर चैनल और सबसे पहले इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड इंट्रोड्यूस योर कार. हेलो, मायसेल्फ गौरव नाहटा, आई एम फ्रॉम जयपुर एंड दिस इज फिएट 1100 इटालियन मॉडल. And it has a completely restored, newly restored and 100% original car. And same time, मुझे एक बात बताओ, पुराने वाली गाड़ी का व्लॉग जो लोगों ने देखा उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा. और साथ के अंदर हम ये जानना चाहेंगे कि इस गाड़ी में भी आपका क्या पर्सनल टच है. See, for this we have customized this car key with the same color combinations. You can have a look. Nice. So guys, देखो ऐसा कौन करता है, मतलब this is like total अमेजिंग एक्सपीरियंस की जिस तरीके की गाड़ी का टोन है कलर का, आपकी कलर में उसी के अंदर की भी है. And I'll show you from the inside. This completely the same color upholstery is matching upholstery of this dual tone. Wow. And even for this meter also I'll show you one of the best part of this meter. Okay. This is the meter with the radio tape. The meter goes like this. Nice. Just like a tape, how it goes. And this is the car key. सर देखो इस बात का तो मैं भारी हाफ स्टार्ट इंजन. इस पुराने वाली जो गाड़ी थी वो भी हाफ बिल्कुल ऐसे क्लिक करने के साथ स्टार्ट है. और ये इंजन की ना गाइस जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, किसी भी गाड़ी को जब आप चेकआउट करते हैं ना, चाहे नई पुरानी यूज्ड हो, अगर वो हाफ सेल्फ में स्टार्ट है ना तो वो इंजन प्रॉपरली मेंटेन्ड है. सो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. तो सबसे पहले फ्रंट के अंदर फिएट का बहुत ही खूबसूरत लोगो है, उसके नीचे की तरफ क्रोम के अंदर बहुत खूबसूरत ग्रिल जिसमें अगेन यहाँ पे फिएट का लोगो लगा हुआ है, नीचे की तरफ बहुत ही प्यारा यहाँ पे बम्पर लगा हुआ है. और ये गाड़ी ना सच्ची बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना सिटी ड्रिवन क्यूट कार वैसी है. डुअल टोन जो कलर है वो मेरा फेवरेट है. अब ये मत कहना ब्लू कलर मेरा फेवरेट है इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये कलर सही में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. गाड़ी की साइज़ जब आप साइड से देखोगे तो भी ये बहुत क्यूट सी कार है. यहाँ पे व्हील कैप जो है उन पे भी आपको फिएट का लोगो दिखेगा. उसी तरीके से ये जो डोर्स खुलने का जो पैटर्न है ये भी देखो, दिस इज नॉट सुसाइडल डोर्स. ओके, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड सुसाइडल डोर्स, द डोर्स व्हिच कम इन रोल्स रॉयस नाउअडेज. नाइस नाइस. और ये ना सर ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है, कन्वीनियंट टू एंटर एंड एग्जिट द कैब. या ट्रू. सेम टाइम पे देखो आप जैसे कैप्स होती है उस तरीके से ऊपर की तरफ ना देखा जाए तो सनशेड काइंड ऑफ थिंग है और ये बहुत ही ज्यादा गाड़ी को खूबसूरत बना रहा होता है. इससे पहले सबसे पहले बचपन में मैं एम्बेसडर में ऐसा कुछ देखा करता था, उसके बाद मैं यहाँ इस चीज को देख रहा हूँ. अब जब आप अंदर देखोगे तो ऑब्वियसली इन कारों की जो सीट्स है वो तो कंफर्टेबल होती है, उसी के साथ में यहाँ पर फिएट 1100 बहुत ही प्यारा प्रिंटेड है उसके साथ में. सर बाकी हमें बटन्स के बारे में बताओ. सबसे पहले ये वाली जो है ये स्पेस खुलता है कैसे? दिस इज द ग्लोव बॉक्स. ओके, नाइस क्यूट ग्लव बॉक्स. उसके साथ में एश्ट्रे. एश्ट्रे उस जमाने में ये एश्ट्रे एक अलग ही फील है. या और उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास में फॉर द रिवर्स लाइट, फॉर द पार्किंग लाइट, फॉर द चोक एंड फॉर द विंडशील्ड. नाइस. और ये कितने गियर ट्रांसमिशन आते हैं? फोर ट्रांसमिशन, फोर गियर, रिवर्स प्लस फोर, रिवर्स प्लस फोर. सो नाइस. और ये स्टेयरिंग जो है बहुत ही ज्यादा स्लिम और बहुत ही ज्यादा क्यूट है. इसके अंदर भी जो है गियर शिफ्टर जो था वो हाथ में आया करता था और ऊपर की तरफ बड़ा ही क्यूट IRVM लगा हुआ है. अब पीछे की तरफ जब देखते हैं और सर ये वाली जो चीज है कंपनी फिटेड ना. या एंड द वन गुड पार्ट ऑफ दिस यू मस्ट हैव नॉट सीन इन द रियर मिरर वी हैव अ लाइट आल्सो. ओह सो यू कैन सी योरसेल्फ इन द लाइट एंड इट हैज अ डोर स्विच एंड इट ऑपरेट्स आल्सो. आई कैन शो यू. So, ये ना ये इसकी लग्जरी को और ज्यादा एनहांस कर रहा है. See, the door opens and the light opens. Wow. So, at that time, the door switch used to be there. इससे ज्यादा और अच्छा क्या चाहिए. सो गाइज मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के नाम पर चीजें हुई है ना उनसे साथ में गाड़ियों का जो एक्चुअल फील था ना वो धीरे धीरे खत्म हो गया. पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये पीछे की तरफ वाला जो डोर है वो ओपन हो रहा है और ऊपर की तरफ वही खूबसूरत अपोस्ट्रॉफी लगी हुई है और साथ में वहाँ पे लाइट्स लगी हुई है. पीछे की तरफ यहाँ पर बहुत सारा स्पेस था जिसमें आप चीजें वगैरह रख सकते थे. और जब आप इस गाड़ी को पीछे से देखोगे तो यहाँ पर फ्यूल टैंक का हमारे पास में लिड के लिए स्पेस हुआ करता है. उसी के साथ में जो इनका पर्सनल टच है वो है यहाँ पे नाहटास की अलग से बैजिंग. सो ये ना मतलब दूर से समझ में आ जाएगी कि आपकी गाड़ी कौन सी है. यहाँ पर भी फिएट 1100 की ब्रांडिंग लगी हुई और उसी के साथ में बहुत ही स्पेशियस हमारे पास में ट्रंक है. आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो. अच्छा लगा हो तो क्या करना है,
सबसे पहले इनका जो चैनल है इंस्टाग्राम का, उसको आप सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, उसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आई विश बहुत सारी नई नई गाड़ियों पे हम व्लॉग बनाते जाएं। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ में।